नमस्कार, दिस इज योर फेवरेट ओडिया भाईना। आज मैं आप लोगों को बताएगा ये बेल का पौड़ा कैसे बनता है। तो बेल का पौड़ा बनाने के लिए बहुत सारा मतलब वेराइटी ऑफ मटेरियल जो है चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए। जो पहला मटेरियल है वो है मतलब आपका जो बेल, बेल का पौड़ा बनाने के लिए चाहिए बेल। ये वो जो वो वाला बेल नहीं जो ओढ़ता है, जो उसको ऐसे बजाता है, वो वाला बेल नहीं, और जो डोर वाला बेल, वो वाला बेल भी नहीं है। बेल एक फौड़ा है, हमारा उड़ीसा में बहुत मिलता है। तो बेलो इज ए फौड़ो हैंगिंग फ्रॉम ए डाड़ो, द आउटर चोपा इज वेरी टाणो। तो पहला जो प्रोसेस है वो आपको एक बेल लेना है, उसको मौजी से भांग देना है। भांगने के बाद उसको ऐसे एक चम्मच लेकर उसको ऐसे कोरना है। कोरने के बाद उसका जो ऐसे मौजी से जो जो थल थल या जो जींस निकलेगा, उस जींस को लेकर से चौकुड़ना है। तो चौकुड़ने के बाद क्या होगा, जो छोटा छोटा मौज होता है ना, वो मौज को पूरा अलगा कर देना है। चौकुड़ने का उसका रॉस को पूरा से मतलब एक एक बेल को एक बेला में लेना है। बेला क्या होता है मतलब मैं कैसे बताएगा, कौन सा बड़ा वाला ऐसा वो होता है ना, जो ताटिया, बड़ा बड़ा ताटिया कौन सा होता है, उसको बेला बोलता है। वो बेला और बेलो अलग अलग होता है। उसके अंदर आपने रख दिया बेल को, अभी थोड़ा सा दही ले लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देगा, थोड़ा सा कोदल। कोदल क्या होता है, ऐसे लंबा लंबा फड़ा होता है ना, ऐसे चोपा उसका छड़ा के खाता है। अरे कोदल, वो जो क्या वो इंग्लिश में बोलते बनाना, हाँ वो कोदल लेगा, थोड़ा सा गुड़ लेगा, छेना, जो हमारा जो खीर होता है, वो खीर जब छिड़ जाता है, तो छिड़ने के बाद उसका जो छेना होता है, उसको थोड़ा सा ऐसे मंथ के मतलब भोल से बढ़िया मोटा या बढ़िया छेना छेना को डालेगा। उसमें थोड़ा सा जो आपका गोल का मरीच है, वो गोल का मरीच डाल देगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा टिके मैंने जो थोड़ा सा लून डाल देगा, थोड़ा सा चीनी पीनी डाल देगा, जो लोग डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री वाला टैबलेट वगैरह डाल देगा। उसको भोल से चकुड़ना है, चकुड़ना है, चकुड़ना है। थोड़ा सा आइस का जो रहता है, वो आइस वगैरह डाल के बेल का पौड़ा पूरा पूरा रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद आपका बेल का पौड़ा कुछ ऐसा दिखता है। ये बेल का पौड़ा है, इसको पीने से आपका जो गैस फैस जो होता है, मतलब बहुत मतलब गैस हो रहा है, छाती को पूरा उठ रहा है, टोंटी पोड़ रहा है, तो गैस फैस का प्रॉब्लम हो गया। मतलब आपका जो ऑंट बिंद रहा है, ऑंट मतलब क्या, जैसे ये टोंट है वैसे ये पोर्शन ऑंट है, ऑंट है ये वाला पोर्शन, टोंट ये ऑंट, तो ऑंट बिंद रहा है। इतना गैस हो गया कि मतलब घर वाला सब पागल हो गया, इतना गैस छाड़ रहा है, गैस छाड़ रहा है, सारा गंध है कि मुंह से मर गया है, मतलब पेट काट रहा है, पतला का पतला झाड़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ में अगर आप बेल का पौना पिएगा, आपको बहुत अच्छा आपका हेल्थ रहेगा। तो आज हमारा ओडिया जो नुआ वर्ष है, इसमें हम लोग बेल का पौना और आम का पौना, बहुत सारा वेराइटी, हमारा वेराइटी ऑफ जो पौना है वो हम पी के इसको सेलिब्रेट करता है। तो आप लोग भी जो हमारा नॉर्थ इंडियन भाई बहन हैं कि दूसरा लोग हैं, आप लोग भी हमारा उड़ीसा का जो न्यू जो ये जो डिश है, इसको आप लोग पूरा बढ़िया से ट्राई करो। भोल से चकुड़ पकुड़ के बेल को लाओ और बना के